बायो क्लासेस चैनल में आप सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे चैप्टर 6 क्लास 12 का, ये उसका लेक्चर 9 है। ट्रांसलेशन तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए बायो क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया था, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्च किया गया था 1990 में। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था कि जो ह्यूमन की का पूरा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, जो पूरे जीन्स हैं, जीन का सीक्वेंस क्या है, उनसे कौन से किस जीन से प्रोटीन बन रहे हैं, कुछ नॉन कोडिंग प्रोटीन जीन्स हैं वो कौन से हैं, तो इन सब का इंफॉर्मेशन ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो होल जीनोम क्या है, जीनोम को क्या कहते हैं, जीनोम किसको कहते हैं, होल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की, सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं जीनोम प्रोजेक्ट। ये किस पे बेस्ड था, ये बेस्ड था कि डीएनए सीक्वेंस, जैसे सारे ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि देखने में अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो इनके डीएनए सीक्वेंस में भी डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे बेस्ड था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यह एक मेगा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। क्यों बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि ह्यूमन जीनोम आपको पता है कि ये बहुत बड़ी है, 3×10^8 बेस पेयर्स इसकी साइज है ह्यूमन जीनोम की। और खर्चे की बात करें तो एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 टोटल $3 का कॉस्ट आता है। तो इस तरह से 3×10^9 बेस पेयर्स को सीक्वेंस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन खर्च होंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि सीक्वेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं ह्यूमन जीनोम के, और बहुत बड़े भी हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं। जो इनॉर्मस डाटा इससे निकलने वाला था, उसके लिए हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की जरूरत थी, जिससे कि इस डाटा को स्टोर किया जा सके, और जो डाटा स्टोर्ड है उसमें से उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स से एसोसिएटेड है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स कंप्यूटेशनल सिस्टम का यूज बायोलॉजी में जो होता है उसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े डेटा सब कॉपी पे नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा बड़े डेटाज होंगे, तो इसके लिए हमें बहुत स्मार्ट कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन को रख सकें और इन इंफॉर्मेशन से हम कुछ रिट्राइव कर सकें। बहुत से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकें, उसमें उससे इंटरप्रेट कर सकें। बहुत सी चीज़ें इंटरप्रेट की जाती हैं कि सीक्वेंस को देखकर ही बताया जा सकता है कि इससे कौन सा प्रोटीन बनेगा, इसके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं। प्रोटीन नहीं बन रहा है इससे, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं कि प्रोटीन इस सीक्वेंस से नहीं बनेगा। कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। इसके बिना मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसके बिना जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जा सके। ठीक है, इम्पोर्टेंट गोल्स क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, कि ह्यूमन डीएनए में जितने जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके उनको सीक्वेंस करना, मतलब उसका बेस सीक्वेंस क्या है, ए जी टी सी जो भी है उसका बेस सीक्वेंस क्या है, 3 बिलियन बेस पेयर्स जो हैं उनके बेस सीक्वेंस क्या है,
इन सीक्वेंसेस को डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करना, फिर उससे बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उन डाटा को एनालाइज करना, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स जब ये सीक्वेंसेस हमें नोन होंगे, उससे रिलेटेड एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज इसको एड्रेस करना, ठीक है, कि लीगल सोशल इश्यूज क्या इससे एड्रेस हो सकते हैं, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमने जो है वो डिजीज को क्योर करने के लिए जीन को बदल दिया, फंक्शनल जीन को वहां डाल दिया, इसके मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, इस तरह से। तो इस इन सब चीजों को करने के लिए हमें लीगल वे में जाना पड़ता है, ठीक है, ऑथेंटिक वे में जाना पड़ता है। जब गवर्नमेंट इसको लाइसेंस देती है तो ही उसका एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो एथिकल लीगल इश्यूज हैं, इसको भी एड्रेस करना, ये भी एक बड़ा गोल था। ये 13 साल का ये प्रोजेक्ट था एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 2003, तो 1990 से शुरू हुआ और ये कंप्लीट हुआ 2003 में। कोऑर्डिनेट हुआ था ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलकम ट्रस्ट यूके। एडिशनल कंट्रीब्यूटर्स क्या थे, कौन से देश थे, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो थे इसके वो बहुत सारे देशों में थे। सिग्निफिकेंस क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, स्टडी ऑफ डीएनए वेरिएशन, जो इंडिविजुअल्स हैं, डीएनए डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके डीएनए में जो वेरिएशन है उसका पता चलना, और उसका यूज, जिसको हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन में, और उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो इन जीन्स के बारे में, इनके सीक्वेंस के बारे में पता होने से हम बहुत सारे डिजीज को डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट कर सकते हैं। लर्निंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैक्टीरिया, ईस्ट, उनका इफेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन के बॉडी में, उनके उनसे जीन से इंटरैक्ट करके क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, और इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स का यूज किस तरह से कर सकते हैं हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन में, ठीक है। जो नॉन ह्यूमन मॉडल सीक्वेंस किए गए हैं वो हैं बैक्टीरिया, ईस्ट, सीनोरेबडाइटिस एलिगेंस, ये 5 नाम ही आपके बुक में दिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अब सीक्वेंस किया जा चुका है। ये सीनोरेबडाइटिस एलिगेंस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड का नाम बताइए जिसकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है, ये कौन सा है, सीनोरेबडाइटिस एलिगेंस। ड्रोसोफिला को मॉडल इंसेक्ट के तरह से यूज करते हैं क्योंकि इसका कंप्लीट सीक्वेंस नोन है। राइस एरेबडोप्सिस, राइस और एरेबडोप्सिस को मॉडल प्लांट की तरह से यूज किया जाता है क्योंकि इसके कंप्लीट सीक्वेंस नोन है, ठीक है। मेथडोलॉजीज क्या यूज की जाती है सीक्वेंसिंग के लिए, दो तरह से पहले तो किया जाता है, दो तरह से क्या किया जाता है, पहले तरीका यह है कि हम उन जीन्स के एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, जो जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करें। सारे जीन्स तो एक्सप्रेस होते नहीं है, तो वो जीन्स जो एक्सप्रेस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स या ESTs। ESTs के बेसिस पे कंप्लीट जीनोम की मैपिंग। दूसरा है कि होल सेट ऑफ जीनोम, पूरा सीक्वेंस जिस तरह से है ह्यूमन क्रोमेटिन मटेरियल में, उसका कंप्लीट सीक्वेंस
सीक्वेंस, चाहे वो कोई नॉन कोडिंग आए, कोडिंग रीजन्स आए, सबका सीक्वेंस, दैट वाज होल जीनोम सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंसिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए होस्ट जरूरी है, जिसमें कि हम जिस डीएनए को सीक्वेंस करना होता है उस डीएनए को उस किसी बैक्टीरिया या ईस्ट में डालते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो एम्पलीफाई करता है, मतलब बहुत सारे कॉपीज बनाता है और उसके बाद हम उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। वेक्टर क्या है? वेक्टर जो है कि जिस डीएनए को हमें सीक्वेंस करना होता है उसको पहले हम फ्रैगमेंट्स में तोड़ते हैं। इन फ्रैगमेंट्स में इसे तोड़ने के बाद इसे हम एक वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स होते हैं ना, नॉन क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, उसमें हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर उसको होस्ट में डालते हैं। तो ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं बैक्टीरिया में या ईस्ट में, ये क्या होते हैं, वेक्टर। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल ईस्ट क्रोमोसोम भी हो सकता है अगर बड़ा फ्रैगमेंट उसमें डालना है, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी हो सकता है अगर बड़े फ्रैगमेंट को सीक्वेंस करना है। ठीक है, तो इसके जो चीज़ें ना, होस्ट, वेक्टर, ये आपको क्लियर होंगी, इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ाऊँ तो बहुत लंबा इसी टॉपिक पे हो जाएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर आपको जब बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं, कैसे करते हैं? सबसे पहले टोटल डीएनए को आइसोलेट कर लिया जाता है, सेल में से टोटल डीएनए को निकाला जाता है। सब में बहुत सारे मटेरियल हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सबको सेपरेट आउट करके, ये भी एक टीडियस जॉब है, इन सबको सेपरेट आउट करके केवल टोटल डीएनए, आरएनए भी हटा दिया जाता है, टोटल डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। फिर इसकी जो डीएनए है, ये जो गुच्छे में प्रेजेंट है ये नेटवर्क, इसको हम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के प्रेजेंस में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में इसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब फ्रैगमेंट्स में तोड़ने के बाद इसको हम क्लोन करते हैं वैक्टर्स में। जो वैक्टर्स कौन से थे, वेक्टर्स जो थे वो आपके बैक और या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको वो सर्कुलर होते हैं उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को। अब ये ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर। अब ये वेक्टर्स में जो डीएनए जिसे हम सीक्वेंस करना है इसके फ्रैगमेंट्स आ गए। अब ये फ्रैगमेंट्स क्या है, फ्रैगमेंट्स ये मान लीजिए फ्रैगमेंट वन है, ये फ्रैगमेंट टू है, ये फ्रैगमेंट थ्री है और ये फ्रैगमेंट फोर। अब इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है सेल के अंदर। किस तरह के सेल के अंदर, या तो बैक्टीरिया होगा या तो ईस्ट होगा, इन सेल के अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो सेल है इसे कहते हैं होस्ट। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है जिसमें कि डीएनए फ्रैगमेंट को डाला जा रहा है, ये क्या है, वेक्टर। ठीक, अब इस जब होस्ट में डाल दिया तो होस्ट की मशीनरी यूज करके ये इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो होस्ट की मशीनरी यूज करके ये पोर्शन, ये जो चीज़ है, ये वेक्टर में इनकॉर्पोरेटेड जो डीएनए है ये मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, जिससे कि कोई आपका डीएनए मिस नहीं होगा, मल्टीपल कॉपीज इसकी बन जाती हैं, ढेर सारी कॉपीज बन जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हो गए, अब इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं बाय ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ये ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर वर्क करता है फैड्रिक सैंगर का जो मेथड था सीक्वेंसिंग का,
उनका जो प्रिंसिपल था चेन टर्मिनेशन मेथड, उसके बेसिस पर ही ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर वर्क करता है। अभी हम बताएंगे कि फैटिक सैंगर का चेन टर्मिनेशन मेथड है क्या। अब जब एक बार डिफरेंट टर्म, मान लीजिए वन का सीक्वेंस हमें पता है, टू का सीक्वेंस, थ्री का सीक्वेंस हमें पता चल गया, ठीक है। अब जब ये पता चल गया वन टू थ्री फोर का सीक्वेंस जब हमें पता चल गया, उसके बाद ओवरलैपिंग रीजन्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये वन है, वन का ये सीक्वेंस मान लीजिए क्या है, ए जी टी, ठीक है। तो टू का सीक्वेंस जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू का सीक्वेंस होगा ओवरलैपिंग है तो ये हो जाएगा टी सी ए, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सीक्वेंस ये क्या था, ए जी टी और ये क्या है टी सी ए। तो मतलब इस वन के बाद यही वाला टू, क्योंकि जब टुकड़ों में बटे हुए हैं तो आपको तो पता नहीं कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। तो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस के बेसिस पे उसका कंप्लीट सीक्वेंस अलाइन किया जाता है, अरेंज किया जाता है उसको, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस से इसका ये जो होगा वो इससे सिमिलर होगा। अब ये टू वाले का जो एंड होगा और ये जो थ्री वाले का एंड होगा, ठीक है, थ्री वाले का एंड जो होगा, ये रीजन कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स खोज लिए जाते हैं यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स, और फिर हमें पता चल गया कि हाँ एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है, तो इसका एक अरेंजमेंट फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस का अलाइनमेंट, फिर एनोटेशन एंड असाइनिंग सीक्वेंस ऑफ ईच क्रोमोसोम। एनोटेशन और असाइनिंग सीक्वेंस टू ईच, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है ये किस क्रोमोसोम नंबर में है, ये सीक्वेंस ये किस क्रोमोसोम नंबर में है, इसको एनोटेट करना। असाइनिंग जेनेटिक एंड फिजिकल मैप, जीन्स का जो मैप है ये कि इस जीन के बाद ये जीन है, इस जीन के बाद ये जीन है, जीन वन के बाद जीन टू है या फोर है या फाइव है, और उसका फिजिकल मैप मतलब इस सीक्वेंस के बाद ये सीक्वेंस है, तो इसको भी असाइन करना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं, और ये यूनिक होते हैं इन द सेंस कि जब उसको वो सीक्वेंस दिखाई देगा, जैसे कि इको आर वन है, ठीक है, तो इको आर वन का रिकॉग्निशन साइट है CGACA, ठीक है। जब इसको ये सीक्वेंस दिखाई देता है तो ही वो वहां पे कट करता है। तो ये एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस, ये क्रोमोसोम पे ये रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस का क्या पैटर्न है, रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस का जो साइट है, रिकॉग्निशन साइट है, उसका क्या पैटर्न है, इसको भी खोजना। माइक्रो सैटेलाइट्स जो रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं उसको भी हम एनोटेट करते हैं एक बार जब हमें कंप्लीट सीक्वेंस मिल जाता है, ठीक है। डीएनए सैंपल जिसे सीक्वेंस करना होता है उसको ट्यूब में डाला जाता है, ट्यूब में डाल के उसमें प्राइमर डालते हैं। प्राइमर डालने से ही क्या होगा, वो एम्प्लीफाई करेगा जैसे रेप्लिकेशन में होता है। डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स का यूज करके ही रेप्लिकेशन होता है ना, तो रेप्लिकेशन का ही मेथड है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन में वही चीज़ें यूज होती हैं जो रेप्लिकेशन में यूज होती हैं। फोर डाइज यूज होते हैं जो अलग अलग कलर के, टी के लिए अलग, जी के लिए अलग, सी के लिए अलग, ए के लिए। चेन टर्मिनेटिंग डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आर एडेड, ठीक है। चेन टर्मिनेटिंग जो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है DDNTPs ये ऐड किए जाते हैं, लेकिन कम अमाउंट में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। DDNTPs में क्या क्या आएगा, एक आएगा DDATP,
ये चारों न्यूक्लियोटाइड डाई डीऑक्सी, जहां पे ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आएगा वहां पर एम्प्लीफिकेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या, हम जिस सैंपल को एम्प्लीफाई करना है, जिस डीएनए सैंपल को एम्प्लीफाई करना है, उस सैंपल को चार ट्यूब्स में डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4 ट्यूब्स में डाल देते हैं। अब इन ट्यूब्स में सब में वही सैंपल पड़ा हुआ है, इन ट्यूब्स में डाल दिया। अब इसमें डाला क्या, प्राइमर डाला, सब में प्राइमर डालेंगे, सब में डीएटीपी, डीटीटीपी, डीजीटीपी और डीसीटीपी, ये सब में पड़ेगा। ठीक है, अब डाई से लेबल्ड, पहले में मान लीजिए आपने डाल दिया डीडीएटीपी, ठीक है, दूसरे में डाल दिया डीडीजीटीपी, तीसरे में डाल दिया डीडीटीटीपी और चौथे में डाल दिया डीडीसीटीपी। ये जो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है इसको कम अमाउंट में डाला जाता है। ठीक है, और ऑर्डिनरी वाले डीएटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी को ज्यादा अमाउंट में डाला जाता है। जब इसको इसमें डाल दिया, और ये जो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है ये डाई से लिंक होते हैं, तो डीएटीपी का कलर मान लीजिए रेड है, दूसरे का कलर ब्लू है, तीसरे का येलो है, चौथे का ग्रीन है, तो इस तरह से इनका कलर भी डिफरेंट होता है। अब क्या करते हैं कि जो डीएनए डाला है इसको पहले करेंगे डीनेचर। डीनेचर कैसे करेंगे, हीट देंगे तो दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे। जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तो जो प्राइमर डाला गया है वो प्राइमर आकर के अटैच कर देगा। जब प्राइमर अटैच करेगा उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में, और ये डीएटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी, सीटीपी, जीटीपी जो है ये एक एक करके आके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बाइंड करते जाएंगे और ये सीक्वेंस कंप्लीट होगा। लेकिन जब इसे डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मिलेगा वहां पर ये चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब उसके आगे चेन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले केस में चेन कहाँ नहीं बढ़ेगी, अगर इसमें डी डी ए टी पी है तो डी डी ए टी पी पे आकर बंद हो जाएगी, जब उसे डी डी ए टी पी उसने ले लिया तो बंद हो गई। दूसरे केस में डी डी सी टी पी मान लीजिए तब ले लिया तो वो बंद हो जाएगी। अब ये जब ये डाल दिया उसके बाद टेम्परेचर को रेज करते हैं जिससे कि डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है और एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, और जब उसे डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा तो उसके आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट लेंथ के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। अब एक ट्यूब में जो है वो जो फ्रैगमेंट्स मिलेंगे वो डिफरेंट लेंथ मिलते हैं। पहले जो है ये अगर टेम्पलेट है और उसके अगेंस्ट जो बन रहा है सीक्वेंस प्राइमर के प्रेजेंस में, जब उसे डी डी ए टी पी मिला तो यहाँ पे रुक गया। कभी हो सकता है उसे जल्दी मिल जाए, ठीक है, कभी हो सकता है उसे जल्दी मिल जाए और फिर वो रुक जाए, कभी हो सकता है कि जल्दी मिल जाए वो रुक जाए, टर्मिनेशन मतलब एम्प्लीफिकेशन उसका रुक जाए। कभी हो सकता है कि बहुत देर में उसको डी डी ए टी पी मिले और बहुत लंबा फ्रैगमेंट तब तक एम्प्लीफाई हो जाए। तो इस तरह से डिफरेंट लेंथ्स के फ्रैगमेंट्स बनेंगे लेकिन एंड इसका किससे होगा, डी डी ए टी पी से। ठीक है, जैसे कि ये इसमें डीएनए जिसे सीक्वेंस किया गया है इसको वेक्टर में डाला गया है। अब पहले ट्यूब में डी डी ए, डी डी टी टी पी, डी डी सी टी पी, जी टी पी और डी डी सी टी पी डाला गया है जिसको कि अलग अलग कलर से बाइंड किया गया है। ठीक है, तो जब इसको डालते हैं और नॉर्मल ऑर्डिनरी तो सब में डाला हुआ है, ऑर्डिनरी चारों न्यूक्लियोटाइड्स सब में पड़े हैं, तो जब इसमें डालते हैं तो हमें डिफरेंट फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। इन डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और उसे रन करते हैं जेल में रन करते हैं, तो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स अपने साइज के बेसिस पे
सेपरेट हो जाते हैं। तो जैसे इसमें अगर दो फ्रैगमेंट्स मिले, टी वाले में एक ही फ्रैगमेंट एम्पलीफाई हुआ, जी वाले में दो एम्पलीफाई हुआ, सी वाले में भी दो एम्पलीफाई हुआ, तो ये मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे ये अपने आप को फ्रैगमेंट्स सेपरेट कर लेते हैं। जब हमें इसे इलेक्ट्रिसिटी हम अभी आपको पढ़ाएंगे किस तरह से करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी इसे समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे इसे सेपरेट करते हैं। अब इसे नीचे से रीड करना शुरू किया, सबसे लास्ट वाला जो है सी, तो ये सी पे आके खत्म हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया सी, नेक्स्ट पैर नीचे से पढ़े तो ए, ये ए पे आके खत्म हुआ हो गया, तो ये ए हो गया, ठीक है। फिर जी है, फिर टी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर डी है। इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम चले तो सी ए जी टी सी ए जी, ठीक है। तो इस तरह से चेन टर्मिनेशन मेथड से सीक्वेंसिंग की जाती है। साइलेंट फीचर क्या थे ह्यूमन जीनोम के, ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस पाए गए। इनमें एवरेज जीन की लेंथ जो थी वो 3000 बेसिस की थी, लेकिन कुछ इससे बड़े भी थे, कुछ बहुत छोटे भी थे। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो है वो कौन सा है, डिस्ट्रोफिन, नाम याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 2.4 मिलियन बेसिस। टोटल जीन जो एस्टिमेट किए गए दैट वाज 30,000। पहले इसको कहा गया था कि 80,000 से 1,40,000 जीन ह्यूमन जीनोम में है, लेकिन इसके प्रोजेक्ट के बाद देखा गया कि ये कितने थे, 30,000। 99.9% सीक्वेंस जो होते हैं सारे ह्यूमन बींग्स में सेम, बस 0.1% डिफरेंस होने से सारे इंडिविजुअल्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, सोचने वाली बात है। फंक्शन 50% जीन्स का फंक्शन अभी तक हमें नोन नहीं है। 50% जीन्स, जितने भी जीन्स हैं डिस्कवर किए गए हैं उसके 50% जीन्स का फंक्शन हमें नोन अभी तक नहीं है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम, जो टोटल जीनोम है उसका लेस देन 2% ही प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है। बाकी क्या है, नॉन कोडिंग है। रिपीटेटिव सीक्वेंस ये सबसे बड़ा पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम से। रिपीटेटिव सीक्वेंस है क्या, रिपीटेटिव सीक्वेंस वो स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जो कई बार रिपीट होते हैं, बहुत टाइम रिपीट होते हैं, 100 to 1000 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए जी टी है, ठीक है। अब ए जी टी 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 ये जो है 100 से 1000 टाइम्स रिपीट हो रहा है अगर, तो ये क्या कहलाएगा, रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम में। ये कहा गया है कि ये डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन में इनका कोई काम नहीं होता, मतलब प्रोटीन बनाने में कोई काम नहीं होता है, लेकिन ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और इसके बेसिस पे इवोल्यूशन स्टडी भी की जाती है। सबसे ज्यादा जीन्स फर्स्ट क्रोमोसोम में है 2968 और सबसे कम जीन्स वाई क्रोमोसोम में है 231। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है क्योंकि 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर ह्यूमन बीइंग्स में सिंगल बेस में डिफरेंस पाया जाता है। सारे ह्यूमन बीइंग्स में सिंगल बेस में डिफरेंस पाया जाता है, इसे हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सिंगल बेस में डिफरेंस होने से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, एसएनपीज या स्निप्स के। ये इंफॉर्मेशन फाइंड यूज किया जाता है फाइंडिंग आउट द क्रोमोसोम लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस से ये एसएनपीज रिलेटेड हो सकते हैं और इसके बेसिस पे ह्यूमन हिस्ट्री की इवोल्यूशन की स्टडी की जा सकती है। एप्लीकेशंस और फ्यूचर चैलेंजेस,
एप्लीकेशंस क्या हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल सिस्टम नेटवर्क है ह्यूमन बीइंग का, इसको अंडरस्टैंड करना, और किस तरह से ये जीन्स, इतने सारे जीन्स, 30,000 जीन्स जो हैं, और प्रोटीन, ये किस तरह से एक साथ हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में वर्क करते हैं। जीन जो कंसर्न है कैंसर से, उसको फाउंड किया जा सकता है, उसे सीक्वेंस किया जा सकता है, और सारे जीन्स हमें 50% जीन्स का जो है वो इंफॉर्मेशन, मतलब जीन्स तो पता है लेकिन उस वो क्या कोड करते हैं और बाकी डिटेल्स उसके बारे में नहीं पता है, तो उसे भी स्टडी करना। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग जो है ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो रिक्वायर करता है बहुत सारे एक्सपर्टाइज को, क्योंकि इसमें सब कुछ है, आपको मैथमेटिशियन की भी ज़रूरत है, आपको कंप्यूटर मतलब की भी ज़रूरत है, मतलब बायोइनफॉर्मेटिक्स टूल्स की भी ज़रूरत है, आपको बायोलॉजिस्ट की तो ऑब्वियसली ज़रूरत है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और बायो बायो ब्रांच में ही फिजियोलॉजिस्ट जो नेटवर्क के बारे में बता सकते हैं उसकी ज़रूरत है, इवोल्यूशन की स्टडी की ज़रूरत है। तो इस तरह से मल्टी टास्किंग जॉब है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी ऑफ 10 ऑफ द 1000 ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरी डिसिप्लिन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे इंफॉर्मेशन और इतने सारे एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट है और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। कंप्लीट तो इस वजह इस तरह से हुआ है कि आपको कंप्लीट ESTs पता है, अभी भी कंप्लीट ESTs एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स पता है, आपको कंप्लीट होल जीनोम सीक्वेंस अभी भी नहीं पता है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो कोड हो रहे हैं वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो और कंप्लीट जीनोम मैपिंग भी अभी तक नहीं, तो बहुत सी चीज़ें लैकिंग हैं अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और बहुत सी चीज़ें पता भी चल चुकी हैं, और जिसके बेसिस पे वैक्सीन डिज़ाइन करना या जिसके बेसिस पे बहुत सी डिजीज का ट्रीटमेंट करना, नॉन फंक्शनल जीन्स को फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर सकते हैं जीन टारगेटिंग के थ्रू, तो ऐसी बहुत सी एडवांस टेक्निक हैं जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, और जिसका मेन मतलब इन टेक्निक्स का यूज़ हम तभी कर पा रहे हैं जब हमें ह्यूमन जीनोम के बारे में पता है, लेकिन उसका उसे यूज़ करने के लिए बहुत से लीगल और एथिकल इश्यूज आते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी भी बरकरार होनी चाहिए कि हम ह्यूमन क्लोन नहीं बना सकते हैं, उसके उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत से लीगल इश्यूज हैं। एक चाइना के एक साइंटिस्ट के इसके इसके लिए क्लोन बनाने के लिए विदाउट एनी लीगल परमिशन उन्हें जेल भी हो गई थी, तो बहुत सारे इश्यूज हैं इसके। और अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें या नॉर्मली जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो बहुत से बहुत कम ही ऐसे ऑर्गेनिज्म्स या प्लांट्स या क्रॉप्स को लाइसेंस मिलता है, जिससे कि इसमें देखा जाए कि इसकी जो है बाकी पैरामीटर्स प्लांट के, क्योंकि आप जीन को इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, डाल रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि वो जीन और कहाँ कहाँ जा कर के बाइंड करेगा। आपने तो डाला कि वो यहाँ जा कर बाइंड करे एक टारगेटेड रीजन में, लेकिन वो और कहाँ कहाँ जा कर बाइंड कर रहा है, किस तरह से और बाकी जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, तो जब तक इसकी कंप्लीट नेटवर्क की नॉलेज नहीं हो जाती है तब तक उसको लीगलाइज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, इश्यूज बहुत कुछ इश्यूज जेन्युइन होते हैं और कुछ इश्यूज ज़बरदस्ती क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो यही है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अभी कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत कुछ बाकी है। अब मुझे लगता है कि जब अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटली, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, जैसे आप हर इंडिविजुअल का अपना एक आधार नंबर होता है, उसी तरह हर एक आदमी का एक चिप होगा, हर एक आदमी के पास एक कार्ड होगा जिसमें उसका कंप्लीट जीनोम का इंफॉर्मेशन होगा और वो उसका पर्सनल आईडी होगा। ये हो सकता है भविष्य में 10 साल 20 साल बाद हर पर्सन के पास हो अपना कंप्लीट ह्यूमन जीनोम। ठीक है, तो इसी के साथ ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे पढ़ेंगे, जो कि बहुत यूज हो रहा है आजकल। सारी क्राइम्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज हो रहा है, आपके हर तरह के क्राइम्स में जो भी क्राइम होते हैं वो अब सीबीआई में जाते हैं, क्योंकि पुलिस को कुछ लगता है कर ही नहीं पा रही है। हमारे देश में सारे क्राइम्स जो हैं वो अब सीबीआई में जा रहे हैं रिपोर्ट्स उनकी, और वहाँ पे सबसे पहले फॉरेंसिक टेस्ट में क्या किया जाता है, सबसे पहले फॉरेंसिक टेस्ट में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट ही किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक टेक्निक है, आज के टाइम में बहुत ही बेसिक टेक्निक है, जिसका यूज़ लगातार किया जा रहा है, बड़े बड़े क्राइम्स में यूज़ किया जा रहा है, तो उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए, और साथ में फिर से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर। गुड डे, बाय बाय।